कोरोना के कारण राजस्थान के साथ पूरा प्रदेश लॉकडाउन है। ऐसे में खाद्य, मेडिकल और अन्य जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी तरीके के व्यापार और उद्योग धंधों पर प्रतिबंध है। खास बात इसमें यह है कि लॉकडाउन में विदेशी चंद ई कॉमर्स कंपनीज को कारोबार करने की सरकार छूट देने जा रही है, लेकिन ऑल इंडिया राजस्थान दुकानदार महासंघ के आह्वान पर तमाम व्यापारिक संगठनों ने इसका विरोध व्यक्त किया। व्यापारियों ने लॉकडाउन में विदेशी ई कॉमर्स कंपनीज के कारोबार किए जाने पर सवाल उठाया है। राजा पार्क में एक प्रेस वार्ता के दौरान सभी व्यापारियों ने सरकार से विदेशी ई कॉमर्स कंपनीज के कारोबार प्रतिबंधित किए जाने की सरकार से मांग की। व्यापारियों की माने तो राजस्थान में लाखों व्यापारियों का इससे नुकसान हो रहा है, मगर भारत का रुपया ई कॉमर्स कंपनियों के माध्यम से विदेशों में जा रहा है, लिहाजा लॉकडाउन तक सरकार उन पर प्रतिबंध लगाए। देखिए, लॉकडाउन की वजह से हर व्यापारी और उद्योगपति, चाहे वो छोटा उद्योगपति हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे बड़ा व्यापारी हो, अपने घर में बैठा हुआ है, अपने घर में दाल रोटी भी खा रहा है, अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, अपने परिवार का पेट पाल रहा है, परंतु उसके पास आमदनी का कोई साधन नहीं है। इस समय सरकार ने जितनी भी सुविधाएं दे रखी हैं वो सिर्फ छोटे लोगों को हैं, दिहाड़ी मजदूरों को हैं या और छोटे तबके के लोगों को हैं। व्यापारी के लिए कोई सुविधा अभी सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। तो मेरा कहने का मतलब सरकार से ये नम्र निवेदन है कि व्यापारियों के हितों की भी रक्षा करें, व्यापारियों के लिए कोई आर्थिक पैकेज दें। व्यापारियों ने कई तरह के बैंक से लोन ले रखे हैं, अनसिक्योर्ड लोन रखे हैं, साहूकारों से लोन ले रखे हैं, उन लोन को वो चुकाएगा कैसे? सारा देश का पैसा बाहर चला जाएगा और देश के छोटे, हम जैसे 4 करोड़ व्यापारी, उनके 10 व्यक्ति एक परिवार अगर पलता है एक संस्थान पे, तो 40 करोड़ पब्लिक जो है वो आज की तारीख के अंदर उनका बहुत ज़्यादा वो नुकसान होगा और वो इस नुकसान को सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम यही चाहेंगे कि सरकार ने जो ई कॉमर्स कंपनियों को जो अनुमति दी है वो अनुमति वापस दें। हम सरकार के साथ पहले भी खड़े थे, कोरोना संकट के अंदर हम जो है सरकार के साथ खड़े हैं। सरकार से चाहेंगे कि ये ऑनलाइन वायरस एक नया पैदा करके दुकानदारों को मजबूर ना करें। हमारे लिए दो